हेलो दोस्तों, आज हम यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे। आज हम यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे। यूपी के वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा राज्यपाल राम नाईक जी हैं, जो 2014 में निर्वाचित हुए थे। यूपी की हम बात करते हैं तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत में चौथा स्थान है, जिसमें सबसे पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा खुद यूपी है। बात करते हैं कि यूपी का क्षेत्रफल भारत का लगभग 7.33% है। जैसा कि विश्व में भारत का, अगर विश्व में हम भारत की बात करते हैं तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल 2.42% है, और यूपी उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व का जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व का जिला बलिया तथा पश्चिम का शामली है, जिसे हाल ही में अभी एनसीआर में शामिल किया गया है, जिसे हाल ही में एनसीआर में शामिल किया गया है तथा उत्तर का जिला सहारनपुर है। इससे ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस राज्य से प्रवेश करती है। तो हमें पता है कि गंगा नदी उत्तर से प्रवेश करती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर। तथा दक्षिण में सोनभद्र, दक्षिण में सोनभद्र, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो चार राज्यों की सीमा को टच करता है, जो चार राज्यों की सीमा को टच करता है। वो राज्य कौन कौन से हैं हम देखेंगे। पहला राज्य बिहार हो जाएगा, दूसरा राज्य पहला बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड तथा चौथा राज्य आपका, जिसे सोनभद्र छूता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को रखा गया। पहले यह संयुक्त प्रांत के नाम से विख्यात था, जो कि आगरा और अवध को मिलाकर 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। यूपी यूपी भारत की चौथी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। यूपी भारत की चौथी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूपी में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। शहरी निकाय 915 हैं तथा न्याय पंचायत 8,135 हैं। इसके अलावा नगर निगम 13, नगर पालिका 226 तथा ग्राम सभा 5,61,163 हैं, 61,163 तथा विकास खंड 822 हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, मतलब लोकसभा के 80 सदस्य तथा राज्यसभा के लिए 31 सदस्य और विधानसभा के लिए 404 सदस्य, जिसमें से एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है तथा विधान परिषद में 100 सदस्य। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, जिसमें पहला स्थान लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर है।
तथा न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले पहला हापुड़ हो जाएगा, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा संत रविदास, चौथा शामली। और उत्तर प्रदेश के वो जिले जो मध्य प्रदेश से टचे हुए हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से 11 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। पहला आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। बिहार से लगे हुए जिले सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर। गाजीपुर में एशिया की एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी लगी हुई है। बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड से टचे हुए जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा से सहारनपुर, शामली। शामली को हाल ही में NCR में शामिल किया गया है। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से सटे हुए जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, राजस्थान से मथुरा आगरा, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र और झारखंड से सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश से एक देश की भी सीमा छूती, जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। नेपाल से लगे जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत